हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइज, आज ये थोड़ा सा फन सेगमेंट है। लाइक तुम में से जो भी मुझे फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, उन्हें पता होगा कि मैंने एक क्वेश्चन स्टिकर डाला हुआ था जिसमें मैं बोली थी कि तुम्हें जो पूछना है पूछो। ऐसा कुछ नहीं था कि तुम्हें प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछना है या पर्सनल क्वेश्चन पूछना है। तुम्हें जो पूछना है तुम आराम से पूछ सकते हो एंड आई विल आंसर ऑन यूट्यूब। सो बेसिकली दिस इज़ फर्स्ट एवर क्यू एन ए ऑन दिस चैनल और मुझे लगा ऐसा कुछ फन सेगमेंट्स वगैरह ऐड करना चाहिए। वाई? बिकॉज अदरवाइज इतना सब कुछ सीरियस हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, राइट? तो कुछ मज़ा मस्ती होना चाहिए, तो उसी मज़ा मस्ती को ऐड करने के लिए मैं एक छोटा सा करने के लिए लाइक ऐसा कुछ क्यू एन ए करने का प्लान की। तो अगर तुम्हें लग रहा है ये आइडिया अच्छा है तो प्लीज़ आराम से वो भी कमेंट में बताना। खैर, मैं ट्राई करूँगी तुम में से सभी के क्वेश्चन का आंसर देने का, और अगर मैं नहीं दे पा रही हूँ, एक दो का अगर मिस हो जाए या किसी का भी मिस हो जाए तो आई एम रियली सॉरी। और कोई वैसा नहीं है कि मतलब नहीं दूंगी या कुछ भी, मे बी नेक्स्ट सेगमेंट में मैं तुम्हारे क्वेश्चन ले लूँ और उसका आंसर दूँ, और इस तरह के हम और भी क्यूएनएस वगैरह करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आराम से, मतलब ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस का क्या क्या आंसर देना है। तो मैंने ऐसे कुछ 10-12 क्वेश्चन जो हैं वो जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा हुआ था उनको पिक करके रखा हुआ है, और उनका मैं आंसर सबसे पहले देना चाहती हूँ, और इसके बाद धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट सेगमेंट और मे बी द नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेगमेंट। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं, बेकार में टाइम क्यों वेस्ट करना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी बोरिंग, दिस इज़ व्हाट इज़ योर एज। रो, आपको एक लड़की से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए। एनीवे, आई एम 23। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज़ कॉग्निजेंट गुड फॉर मैकेनिकल। देखो, अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो एनी कंपनी इज़ गुड फॉर यू। एंड अगर मैं कॉग्निजेंट की बात करूँ तो मेरे बहुत सारे मैकेनिकल वाले दोस्त अभी कॉग्निजेंट में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, बहुत सारे मैकेनिकल के सीनियर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आई वोंट से इट्स नॉट गुड फॉर मैकेनिकल और बायोटेक और सिविल और एनीवन। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम CSIT के हो तो तुम्हारे लिए चीज़ें सीखना थोड़ा आसान हो जाता है, अगर तुम CSIT के नहीं हो तो तुम्हारे लिए चीज़ें सीखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, दैट्स इट। लेकिन अगर वो जो एक्स्ट्रा लगता है ना, वो अगर तुम लगाने के लिए रेडी हो तो कोई भी कंपनी में तुम धमाका ही करने वाले हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई सो क्यूट। आई थिंक योर आइज़ आर क्यूट। क्योंकि बोलते हैं ना कि आँखें खूबसूरत होती है तो दुनिया खूबसूरत दिखती है, तो थैंक यू बाय द वे, इट्स सो काइंड ऑफ यू। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज़ CTS ऑफर मेल नहीं आया अभी तक, 2021 पास आउट। कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत लोगों को उनका DOJ मिल गया है, बहुत लोग अभी DOJ का वेट कर रहे हैं। फाइन, आप अपने टाइम का इंतज़ार करो, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि लेट ज्वाइनिंग आएगी तो इसका क्या मतलब, मुझे मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है, लाइक सैलरी तो कम नहीं मिलेगी, कुछ नहीं वैसा होने वाला, ठीक है, आराम से रिलैक्स रहो। और अगर तुम सिलेक्ट हो गए हो तो तुम्हारे पास आराम से आने वाला है DOJ, तुम आराम से ज्वाइन करने वाले हो। मे बी 6 महीने बात करो, 8 महीने बात करो, 1 साल बात करो या अगले दिन ही कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे, ठीक है, बस इतना ही है। लेकिन आराम से करोगे ज़रूर, इसकी गारंटी है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच इज़ ब्याह हो गया है तुम्हारा? नहीं, और करने का कोई इरादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जॉब और बिजनेस, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। देखो, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग व्हाट आई लव, मेरे लिए कोई मतलब मैटर नहीं करता है कि मैं जॉब कर रही हूँ या बिजनेस कर रही हूँ या ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, ये चीज़ मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ, मैं जिस काम को एंजॉय कर रही हूँ अगर मैं वो कर रही हूँ तो वेल एंड गुड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और वाई जॉब और बिजनेस, मैं दोनों काम एक साथ भी तो कर सकती हूँ, लाइक आई एम डूइंग यूट्यूब, आई एम डूइंग इंस्टाग्राम, आई हैव रिसेंटली पब्लिश्ड अ बुक, तो वो भी ऐड कर सकते हो। और आई एम वर्किंग विद कॉग्निजेंट, वो और भी कुछ कुछ प्लान्स हैं मेरे दिमाग में, तो मैं मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकती हूँ, तो वाई दिस जॉब और बिजनेस दोनों। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाभी में डायमंड। आई मीन इट्स अ पर्सनल चॉइस, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, तुम्हारी मर्जी यार, तुम करो। पर्सनली अगर मेरी बात करो तो मुझे वो पियर्सिंग वाली चीज़ जल्दी समझ नहीं आती, बिकॉज उसमें पेन होता है और नहीं, और वैसे भी मुझे ना बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का शौक नहीं है। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ज्वेलरी का और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। अब थोड़ा सा लग रहा होगा बिकॉज मैंने यहाँ पे चेन पहन रखी है, मैंने इधर रिंग्स पहन रखे हैं, उसके बाद मैं ये बोल रही हूँ, तो दीज आर नॉट माई चॉइस, दीज आर माई मदर्स चॉइस, तो आप उनसे जाके बोलो, उन्होंने मेरे को पहनाया, मैंने पहन लिया, दैट्स इट, अच्छा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, एंड दिस वन इज सपोर्ट में प्रोजेक्ट मिला है क्या करें, भाग जाओ। मजाक कर रही हो, कोई ज़रूरत नहीं है भागने का। देखो, आप अगर सबसे पहले बोलूँ, अगर तुम
फ्रेशर हो और तुमने अभी ज्वाइन किया है तो सबसे पहले ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ, तुम अगर अभी चाहो तो दूसरी कंपनी में ट्राई कर सकते हो, दूसरी कंपनी में ट्राई करो और अगर तुम्हें वहाँ मिल जाता है तो और इससे बेटर मिल जाता है तो प्लीज़ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, देखो कोई कंपनी अच्छी बुरी ये वो करके मत जाना। अभी पैकेज से भी ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए हो रहा है प्रोफाइल। तुम्हें प्रोफाइल कौन सा मिल रहा है, तुम्हें टेक्नोलॉजी कौन सी मिल रही है। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका मिल रहा है ना तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, राइट? तो आराम से उधर की तरफ जाओ, तो देख लो। तुम और भी कंपनीज में अभी ट्राई कर सकते हो, अगर तुम फ्रेशर हो तो, नहीं भी हो तो तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो और देखो तुम्हें क्या मिलता है। बेटर मिल जाए तो भाग जाओ, जितना अच्छा मिले उतना अच्छा करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसके बाद हाउ डू यू वर्क अंडर प्रेशर। एक्चुअली आई डोंट, जब भी मुझे प्रेशर उस तरह का, एक तो मुझे वंस इन अ ब्लू मून फील होता है, पर अगर जब भी मुझे फील होता है मैं सो जाती हूँ। सिंपल, प्रेशर फील हो तो सीधा सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रेशर में अगर तुम काम करोगे तो सारा काम बेकार ही होने वाला है, उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो क्या फ़ायदा, मतलब मैं काम भी करूँ, मैं मेहनत भी करूँ, मैं अपनी नींद भी ख़राब करूँ और आउटपुट भी आए मेरा ज़ीरो। ज़ीरो भी ठीक है, नेगेटिव में अगर -1, तो अगर नेगेटिव में मेरा आउटपुट आ रहा है तो क्या ही फ़ायदा इसका। तो इससे बेहतर मुझे लगता है आराम से कुछ भी मत करो और जा कर के सो जाओ, दिस इज़ वे बेटर, राइट? एनी वे आगे बढ़ते हैं, तो हाँ आप पहले इसको ही मैं अच्छे से आंसर दे दूँ। तो इसलिए मैं कभी भी प्रेशर में काम नहीं करती हूँ और लिटरली स्पीकिंग, इफ यू आर डूइंग वॉट यू लव यू विल नेवर फील प्रेशर। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इतना टाइम कहाँ से मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है, अगर आप टाइम निकालना चाहो तो मिल जाता है। देखो कुछ लोग इस तरह से कंप्लेन करते कि मेरे पास टाइम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो इट मे साउंड रूड बट मुझे ऐसा फील होता है कि आपको टाइम मैनेज करना नहीं आता। क्योंकि अगर तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे, इलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे, किसी और पर्सन के पास भी 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे को तुम कैसे यूटिलाइज करो ये तुम पे डिपेंड करता है। उसी में तुम्हें बैलेंस करना होता है, उसी में तुम्हें सब कुछ करना होता है, राइट? उसी में तुम्हें खाना होता है, उसी में तुम्हें वॉशरूम जाना होता है, उसी में तुम्हें सोना होता है, उसी में यू हैव टू डू एवरीथिंग, राइट? बहुत सारे काम होते हैं तुम्हारे और सब कुछ तुम्हें उसी 24 घंटे में मैनेज करना होता है। तो तुम अपने टाइम को किस तरह से डिवाइड करते हो ये तुम पे है। तो इसीलिए मैं टाइम निकाल लेती हूँ और हर कोई टाइम निकाल लेता है, इनफैक्ट हर कोई टाइम निकाल लेता है उन चीज़ों के लिए जिससे वो सच में प्यार करता है। एंड मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे बातें करना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, अपने आप में घिरे रहना मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगता है। तो एनीवे आगे बढ़ जाते हैं, एंड द नेक्स्ट इज हाउ यू स्टार्टेड कोडिंग। ओके, तो शायद तुम में से बहुतों को पता होगा कि टिल क्लास 12th मेरा कंप्यूटर साइंस से कोई रिश्ता नहीं था, मेरा सब्जेक्ट नहीं था कंप्यूटर साइंस। इनफैक्ट जो मेरा ऑप्शनल एडिशनल सब्जेक्ट था दैट वॉज म्यूजिक, म्यूजिक और कंप्यूटर साइंस पोल्स अपार्ट, कोई उसका वैसा है ही नहीं, राइट? उसके बाद फिर जब मैंने ज्वाइन किया था, मतलब मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, उस वक्त मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। मुझे हमें सी पढ़ाया जा रहा था और सी में मुझे 2 नंबर को ऐड करना तक नहीं आता था, बिकॉज मुझे सिंटैक्स नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे ये नहीं पता था कि सिंटैक्स होता क्या है, कुछ भी नहीं पता था, आई वॉज दैट ब्लैंक। उसके बाद फिर मैं ट्राई कर रही थी पर फेल हो रही थी, हो नहीं रहा था, मतलब मेहनत कर रही थी पर उस तरह से कुछ हो नहीं रहा था, कुछ वैसा मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। मुझे याद है मैं लैब में बैठी हुई थी और मेरे बगल में जो मेरे से एक पहले के रोल नंबर की एक लड़की बैठी थी, उसने अपना असाइनमेंट कर लिया और मुझसे नहीं हुआ था। मैंने उससे बोला कि मेरी हेल्प कर दें, मुझे समझा दें, लिटरली मैंने ऐसे बोला था कि मुझे समझा दें इसको कैसे करना है। एंड शी वॉज लाइक तुमसे नहीं होने वाला है और तुम अपना स्ट्रीम चेंज कर लो। इधर पे दर्द हुआ था और उसके बाद आई डिसाइडेड इससे बेटर कोडर बनना है मेरे को। एंड या लिटरली आई एम थैंकफुल टू दैट गर्ल बिकॉज मैंने उस चीज़ को फ्यूल की तरह यूज़ किया एंड नाउ एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग। एनीवे आगे बढ़ते हैं, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, बोलना चाहिए मुझे, लास्ट क्वेश्चन इज पहले प्यार की कहानी सुनाओ। मुझे इसका आंसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, चलो दे ही देती हूँ। सो इट स्टार्टेड व्हेन